रहमतों और बरकतों वाले माहे सयाम का आगाज हो चुका है। सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक, अमरीका और यूरोप में आज पहला रोजा है, जबकि पाकिस्तान में पहला रोजा कल होगा। रहमत अजीम के मेहमान अस्सलाम, कुरान के नुज़ूल के सामान अस्सलाम, रमजान अस्सलाम, ए रमजान अस्सलाम, रमजान अस्सलाम, ए रमजान अस्सलाम। सऊदीया, दुबई, मिस्र, मलेशिया और सिंगापुर समेत दीगर खलीजी ममालिक में आज से माह रमजान का आगाज हो गया है। वुहान के रहने वालों ने आज पहला रोजा रखा। अमरीका, कैनेडा, बरतानिया की भी कुछ मुस्लिम तंजीमों ने आज पहले रोजे का ऐलान किया है। रमजान अस्सलाम, रमजान अस्सलाम। जापान, फ्रांस और यूनान में भी आज पहला रोजा है। सऊदी अरब में रूहते हलाल का फैसला सुप्रीम कोर्ट करती है। अदालत उज़्मा ने मुल्क भर में रूहते हलाल कमेटियों को रमजान मुबारक का चांद देखने की हिदायत जारी की थी। मस्जिद उल हराम और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तरावी का एहतमाम किया गया। नमाज तरावी की 20 की बजाय 10 रकअतें अदा की गयी। नमाज में मस्जिद की इंतजामिया और सफाई पर मामूर अफराद शरीक हुए हैं। कुरान के नुज़ूल के सामान अस्सलाम। दूसरी जाने पाकिस्तान में चांद नजर नहीं आया, पहला रोजा कल होगा। जबकि मुफ्ती शहबुद्दीन बबलज़ई ने आज पहले रोजे का ऐलान किया। उन्होंने कहा था कि 9 शहादतें मौजूद हुई हैं। हुकूमत ने कोरोना वायरस के पेश नजर मस्जिद में नमाज जुमा और नमाज तरावी को महदूद करने का फैसला किया है। बगैर सहन वाली मस्जिद में तरावी नहीं होगी। लोग नमाज और तरावी घरों में रहकर अदा करेंगे। मौजूदा हालात में मस्जिद में अफ्तारी का इंतजाम नहीं किया जाएगा। मस्जिद आने वाले अफराद हुकूमत के जारी करदा SOPs पर अमल दरामद करेंगे। रमजान अस्सलाम, रमजान अस्सलाम।